हेलो बच्चों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं अपना नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे हुंड्स रूल। तो आइए देखते हैं हुंड्स रूल क्या है। हुंड्स रूल को हम हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम, इसी को हम हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी भी कहते हैं। हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुंड्स रूल इज रिलेटेड टू द फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। इट इज रिलेटेड टू फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स बाई इलेक्ट्रॉन्स। इट इज रिलेटेड टू फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स बाई इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इन दी ऑर्बिटल्स। इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इन दी ऑर्बिटल्स ऑफ सेम सब सेल। इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इन दी ऑर्बिटल्स ऑफ सेम सब सेल एंड ऑर्बिटल्स ऑफ सेम सब सेल। ऑर्बिटल्स ऑफ सेम सब सेल आर इक्वल इन इनर्जी। मीन्स ऑर्बिटल्स ऑफ सेम सब सेल हैव इक्वल इनर्जी। सपोज पी ऑर्बिटल, इनसाइड पी सब सेल देयर इज थ्री ऑर्बिटल, इनसाइड डी सब सेल देयर इज फाइव ऑर्बिटल्स, इनसाइड एफ सब सेल देयर आर सेवन ऑर्बिटल्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ईच ऑर्बिटल ऑफ सेम सब सेल हैव इक्वल इनर्जी। मीन्स दिस ऑर्बिटल, दिस ऑर्बिटल, दिस ऑर्बिटल आर सिमिलर इन देयर इनर्जीज एंड दिस ऑर्बिटल, दिस ऑर्बिटल, दिस ऑर्बिटल, दिस ऑर्बिटल ऑल हैव सिमिलर इनर्जी। सेम इन द केस ऑफ एफ सब सेल, दिस 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 ऑल ऑर्बिटल्स हैव सिमिलर इनर्जी। तो यहाँ पर हमारा एक इम्पॉर्टेंट टर्म आता है डी जनरेट ऑर्बिटल। डी जनरेट ऑर्बिटल्स, डी जनरेट ऑर्बिटल्स मीन्स ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम होती है उन्हें हम कहते हैं डी जनरेट ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स हैविंग इक्वल एनर्जी आर नोन एज डी जनरेट ऑर्बिटल्स। सो ऑर्बिटल्स हैविंग इक्वल एनर्जी आर नोन एज डी जनरेट ऑर्बिटल्स। तो कहने का मतलब किसी एक सबसेल, पी सबसेल हो या डी सबसेल हो या एफ सबसेल हो, उसके अंदर एक ही सबसेल के अंदर जितने भी ऑर्बिटल पाए जाते हैं उनकी सब की एनर्जी सेम होती है। तो हुंड्स रूल क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल ऑर्बिटल्स ऑफ ए सबसेल, ऑर्बिटल्स ऑफ ए सबसेल आर फिल्ड फर्स्ट ऑफ ऑल बाय सिंगल इलेक्ट्रॉन एंड व्हेन ऑल ऑर्बिटल्स ऑफ सेम सबसेल आर फिल्ड बाय वन इलेक्ट्रॉन देन आफ्टर पेयरिंग अकर्स। अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दी ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू सेम सबसेल पी डी एंड एफ डज नॉट टेक प्लेस अंटिल ईच ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू दैट सबसेल हैज गॉट वन इलेक्ट्रॉन ईच। इट मीन्स इट इज सिंगली ऑक्यूपाइड। आप देख रहे होंगे यहाँ केवल पी डी एंड एफ लिखा, यस नहीं लिखा है, चूंकि हम जानते हैं यस में केवल एक ही ऑर्बिटल होता है, यस सबसेल में केवल एक ही ऑर्बिटल होता है। तो
तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन अगर रहेंगे तो ऑटोमेटिक पेयरिंग होना ही है, लेकिन पी में तीन ऑर्बिटल होता है, डी में पांच होता है और एफ में सेवन होता है। एक दो तीन चार पाँच छः एंड सात, एफ में सेवन ऑर्बिटल होता है। तो इसमें पहले इलेक्ट्रॉन एक एक करके भरता है, वन ऑर्बिटल, वन पी ऑर्बिटल, टू पी ऑर्बिटल, थ्री पी ऑर्बिटल। जब ये तीनों पी ऑर्बिटल एक एक इलेक्ट्रॉन करके भर जाएंगे, तब चौथा इलेक्ट्रॉन मतलब इसमें फोर्थ इलेक्ट्रॉन जब इंटर करेगा तब पेयरिंग शुरू होगी। इसमें वन टू थ्री फोर फाइव, इसमें जब सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा तब पेयरिंग स्टार्ट होगी। इसमें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन, इसमें जब एट्थ इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा तब पेयरिंग शुरू होगी। इसमें फोर्थ इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहाँ पर पेयरिंग शुरू होगी, इसमें सिक्स्थ आएगा तो यहाँ पर पेयरिंग शुरू होगी, इसमें एट्थ इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहाँ पर पेयरिंग शुरू होगी। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पहले एक एक करके भरेगा, जब सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे तब उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी। जब तक कि कोई भी ऑर्बिटल सिंगली ऑक्यूपाइड नहीं होगा तब तक पेयरिंग नहीं होगी। देखिए इस तरह से नहीं होगा, जैसे हमारे पास मान लीजिए इस तरह से है, तो ऐसा नहीं होगा कि इसमें डबल हो जाए और यहाँ पर एक तीसरा पी ऑर्बिटल खाली रहे। क्योंकि सभी की एनर्जी सेम है, तो इलेक्ट्रॉन पहले एक एक करके भरेगा, उसके बाद जैसे ही तीनों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो और हमने पढ़ा है कि हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड, हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोस्ट स्टेबल। हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल जो होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं इन कंपेरिजन टू अदर फॉर्म ऑफ ऑर्बिटल्स। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन इसमें और इसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल होता है, तो स्पेसिफिक सिमेट्री होने के कारण स्टेबिलिटी बढ़ जाती है और स्टेबिलाइजेशन इनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है जिससे स्टेबिलाइजेशन इफेक्ट जनरेट होता है। तो हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल होते हैं इन कंपेरिजन टू पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल्स। तो बच्चों हमारे पास इसी हुंडस रूल के एप्लीकेशन पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए KBPY में पूछा गया क्वेश्चन है, इसमें देखिए फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विच ओबेज हुंडस रूल फॉर ग्राउंड स्टेट ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम के ग्राउंड स्टेट के लिए हुंडस रूल निम्न में से कौन सा सही रिप्रेजेंट कर रहा है? तो कार्बन हमें पता है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है सिक्स, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p2। तो हमने हुंडस रूल में पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी सबसेल के सभी ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होती है, तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन करके भरता है और जब एक एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं तभी पेयरिंग होती है। तो इसमें हम देखते हैं ज़रा, हम फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट में हमारा देखिए 1s2 ये सही है, 2s2 होना चाहिए, जबकि देखिए यहाँ पर 2s1 है और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जा करके 2s को फुलफिल ना करके 2p में तीनों इलेक्ट्रॉन चले गए, तो ये सीधे सीधे हमारा गलत है। और बी में ज़रा देखिए, यहाँ पर 1s2, 2s2, यहाँ पर देखिए 2p2 तो है लेकिन हमारे पी में होते हैं तीन ऑर्बिटल, तो इलेक्ट्रॉन पहले एक एक करके भरते हैं, फर्स्ट ऑर्बिटल, सेकंड ऑर्बिटल, देन थर्ड ऑर्बिटल। तो यहाँ पर देखिए ये ऑर्बिटल को डिनोट कर रहा है, तो फर्स्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरने के बाद यहाँ से थर्ड ऑर्बिटल में डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, सेकंड ऑर्बिटल खाली है, तो ये भी रूल के अगेंस्ट है, इसलिए ये भी हमारा हो जाएगा गलत। अब देखिए ज़रा हम यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर भी हमारा देखो 1s2 है, 2s2 है और यहाँ पर 2p2 तो है लेकिन देखिए यहाँ पर p के हमारे जो तीन ऑर्बिटल हैं उसमें सिचुएशन ऐसी होनी चाहिए, जबकि सिचुएशन ऐसी है। एक ही में सेकंड ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन
यहाँ पर फिल कर दिए गए हैं, और जो कि गलत है। पहले फर्स्ट में एक इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर सेकंड में आएगा, उसके बाद तीसरा इलेक्ट्रॉन अगर होता तो थर्ड में आता, फिर जब फोर्थ, हमने आपको बताया था पी ऑर्बिटल में जब फोर्थ इलेक्ट्रॉन आता तभी पेयरिंग होती है, अदरवाइज नहीं। तो ये भी हमारा हो गया गलत। अब जरा हम इसको देखते हैं, इसमें देखिए ये हमारा हो गया 1s2, ये हमारा हो गया 2s2, और यहाँ पर हमारा देखिए 2p2। तो ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन जो है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन सही है। अगर तीसरा इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहाँ आएगा, फिर अगर फोर्थ इलेक्ट्रॉन आएगा तब पेयरिंग यहाँ पर स्टार्ट होगी। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।